परफॉर्मेंसेज जो होते हैं वो काफ़ी लंबी होनी चाहिए ताकि आप काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन कर सकें आपके जो लाइव ऑडियंस आती है आपको देखने के लिए. तो जी मैं दो एक्ट्स करूँगी और वो काफ़ी यू नो यूजुअल परफॉर्मेंसेज से लंबी होती हैं. सो रिहर्सल्स काफ़ी चल रही हैं एंड आई एम डूइंग कंट्री क्लब का जो मुंबई शो है जो उनका वन ऑफ द बिगेस्ट शोज होते हैं. तो काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुझ पर टू डू अ गुड शो. सो या रिहर्सल्स काफ़ी ज़्यादा हो रही है. गौहर, इस बार हम कोई खास तरह के डांस परफॉर्मेंसेज ऐसे किसी मतलब कोई स्पेसिफिक नंबर पे कोई बताना चाहिए कौन से नंबर्स पे प्रिपेयर कर रहे हैं? ऑफ कोर्स अगर यू नो एक न्यू ईयर नाइट होती है तो द वन थिंग दैट इंडिया वांट्स इज बॉलीवुड. तो बॉलीवुड के इस साल के जो सबसे बड़े हिट्स हैं उनका एक मेडली तैयार किया है और उसके साथ बीच में काफ़ी ज़्यादा यू नो हिप हॉप नंबर्स को ब्लेंड किया है. सो आई थिंक व्हाट सेट्स मी अपार्ट इज़ द फैक्ट दैट जब मैं नाचती हूँ तो मैं सिर्फ इसलिए नहीं नाचती क्योंकि मैंने कमिटमेंट किया है उस उधर परफॉर्म करने के लिए. मैं ऐसे नाचती हूँ ताकि कोई भी एक जो ऑडियंस मेंबर होगा वो उतना ही ज़्यादा इन्जॉय करे मेरे साथ जितना मैं स्टेज पर इन्जॉय कर रही हूँ. सो आई थिंक माई USP इज़ माई एनर्जी माई एक्सप्रेशंस. अगर आप एक लाइव परफॉर्मेंस कर रहे हैं और आप ऑडियंस को इन्वॉल्व ना करें तो वो यू नो थोड़ा फीका रह जाता है. सो आई गेस दैट्स माई USP. न्यू ईयर का जो टाइम होता है उसमें मतलब बहुत ज़्यादा क्राउडेड होता है. जब भी कहीं परफॉर्म करते हैं बहुत क्राउड होता है और बहुत ज़्यादा ऐसी घटनाएं आती हैं कि वुमेन्स के लिए खास और जो आप प्लीज़ नेगेटिव बातें ना करें तो बहुत अच्छा होगा. नहीं सीरियसली बिकॉज कितना ध्यान रखेंगे ऑब्वियसली ध्यान तो रखना ही चाहिए डेफिनेटली बट आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट कुछ भी होता है के अंदर कितना ध्यान आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट समथिंग सो नेगेटिव. मैं यहाँ कुछ अच्छा करने आई हूँ तो मैं अच्छी थॉट्स लेकर जाना चाहूँगी. वेल कल एक वन ऑफ द लीडिंग न्यूज़ पेपर्स में मुझे और कपिल शर्मा को द टू मोस्ट यू नो इम्पैक्टफुल फेसेस ऑफ दिस ईयर कहा गया है. सो आई एम रियली हैप्पी कि लड़कियों में मेरा नाम लिया गया है. दिस ईयर एक्चुअली बहुत 2014 तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहा है बट एक्चुअली वो शुरुआत 2013 की दिसंबर से ही हो गई थी क्योंकि आफ्टर बिग बॉस इज जस्ट बिन अ ग्रेट ईयर एंड मैं दुआ करती हूँ कि हर साल ऐसा ही हो और भी ज़्यादा प्यार मिले और भी ज़्यादा अप्रिसिएशन मिले. और 2014 जैसा साल मैं दुआ करती हूँ कि हर साल वैसा ही हो. Well, 2015 you seem to be coming in a very big way as an actress, like a yeah. lead actress, right? Yeah. So could you tell us something more about that? Yeah, actually I'm keeping my fingers crossed about that and jaise kehte hai na don't count your eggs before they are hatched. To main actually abhi kafi post production work chal raha hai. Bahut jald hum bahut hi ek I'm going to make an announcement about that film. Yeah, we've completed the shoot and 2015 आई होप इज़ अ फिल्म ईयर फॉर मी जहाँ पर मैं काफ़ी सारे अनाउंसमेंट्स करूँ अबाउट माई फिल्म इज़ वेल. बट वन इज़ ऑलरेडी कम्प्लीटेड जिसका नाम है फीवर और वो होपफुली अर्ली नेक्स्ट ईयर आ जानी चाहिए. उसके लिए भी काफ़ी यू नो टू मेक इट अ गुड वन वी आर मेकिंग ऑल द एफर्ट्स. सो लेट्स सी इंशाल्लाह. 2015 में क्या आपका मैरिज था कुछ ऐसा प्लान है? हाँ नहीं सर, मुझे बहुत काम करना है और यू नो एक्चुअली उस टाइम पे मैं शादी करूँगी जब मैं फुली रेडी होंगी मेंटली क्योंकि शादी एक ऐसी चीज़ है जब आपको लिटरली यू हैव टू बी एब्सोल्युटली श्योर अदरवाइज यू डोंट वांट टू डू इट. एंड इस वक्त 2014 इतना अच्छा रहा है मेरे लिए तो आई होप कि 2015 में भी मैं काम पे कॉन्सेंट्रेट करूं और जब शादी के बारे में सोचूंगी तो ज़रूर बताऊंगी. तो आपको मतलब किस तरह का लड़का? अगर हम ये स्वयंवर का कर रहे होते ना मैं आपका सवाल का ज़रूर जवाब देती लेकिन इस वक्त कंट्री क्लब के डांस परफॉर्मेंस के बारे में बात हो रही है. बट चॉइस तो मेरे पास है ना. मैं चॉइस टू आंसर की बात कर रही हूँ. इस वक्त मुझे आंसर नहीं करना. Hi everybody, I'm Gauahar Khan. Watch me only on facebook.com/businessofcinema.